खैर प्रेम कथा तो नहीं, लेकिन मैं सत्य कथा आपको बताता हूँ। इस नोटिफिकेशन के पीछे का कारण क्या है? ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है इस वक्त, और मैं अगर इस नोटिफिकेशन की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश के अंदर दो तरह के इस्टेब्लिशमेंट हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट जो सरकार से पानी लेते हैं, और दूसरे इस्टेब्लिशमेंट जिनका खुद का पानी का बंदोबस्त। अब जो लोग सरकार से पानी लेते हैं उनके सीवेज चार्जेस वो पानी के बिल में सीवेज चार्ज के तहत जोड़ कर आते हैं। हम किसी भी राज्य की बात करें उसमें सीवेज चार्ज पानी के बिल में आता है। लेकिन ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स जिनका जो अपने खुद पानी की व्यवस्था करते हैं, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स पहले सीवेज चार्ज नहीं देते थे। तो इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो सरकार की सीवेज फैसिलिटी यूज करते हैं और उनके पास खुद का पानी का बंदोबस्त है जो कि सीवेज चार्ज नहीं देते, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट मोस्टली कमर्शियल होते थे अर्बन में, इन्हें 30 रुपया 25 रुपया पर सीट के हिसाब से चार्ज देना होगा। नाविका जी, अगर मैं बात करता हूं सीवेज चार्ज की, उत्तराखंड का तो चार्ज हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा है। उत्तराखंड में तो हर साल 15% तक सीवेज चार्ज इंक्रीज होता है, हिमाचल प्रदेश में तो अभी टॉयलेट की इलेक्शन का सीट पर तो इंट्रोड्यूस नहीं किया। होता ना? आप जिस सीट पर नाविका बैठे, जी, अपने घर में, अपने कमरे में सीट पर बैठे, नहीं कोई नाविका, ये टैक्स नहीं सबके लिए है, नहीं बस है। अपने नहीं ये अपने नाविका, कमरे के साथ ये के सबके लिए टॉयलेट में इंट्रोड्यूस चले नहीं जाएं हुआ तो है। 25 रुपए टैक्स दे दीजिए। सिद्धार्थ यादव जी, मुझे बताइए कि इतनी इकोनॉमिक मॉडलिंग, इतनी अर्थव्यवस्था की जानकारी राहुल गांधी जी ने तब ली थी जब 1 लाख रुपए हर साल प्रॉमिस किया था महिलाओं को, खटाखट खटाखट 8,500 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जितनी आज ये पानी पर कमर्शियल ये वो सारी एक्सप्लेनेशन लोकेश जिंदल जी दे रहे, इतना तो उस खटाखट मॉडल में कैलकुलेशन नहीं हुआ था। और अब टॉयलेट की सीट पर जो टैक्स लगा है, ये क्या दर्शाता है कि खटाखट मॉडल कहीं ना कहीं फुस हो गया है? देखिए नविका जी, जब कांग्रेस पार्टी चुनावों में जनता के बीच में गई थी तो उनने कहा कि आप हमें ओपीएस के लिए वोट करो, ओल्ड पेंशन स्कीम वो कहना चाहते थे। लोगों को पता ही नहीं था कि ओपीएस का मतलब ओल्ड पैखाना स्कीम है। अब ये पुराने पैखाने की स्कीम ले आए और उसको टीवी पे बैठ के जस्टिफाई और कर रहे हैं। हिमाचल को तो प्रगति की राह से इन्होंने लौटा ही दिया, जनता को भी लौटा दे दिया। विश्वास नहीं होगा, कोई कैसे मान सकता है कि 21वीं सदी में कोई राज्य सरकार ऐसा कहने लगे कि आपके घर में टॉयलेट सीट के हिसाब से हम टैक्स लेंगे। घर की कौन गिनेगा, कौन गिनेगा जाकर के? लोकेश जी आप बताइए, आपके विधायक जाएंगे गिनने, सिद्धार्थ जी, क्या आपने राहुल जी नोटिफिकेशन जाएंगे? मैं पढ़ी आपके है? बीच में नहीं बोला था लोकेश जी, गिनेगा मैं आपने कौन? प्रश्न पूछा आप है तो मुझे मैं ये जवाब बताइए, दूंगा। क्या राहुल जी खटाखट एक घर से दूसरे घर में जाएंगे और आपने टॉयलेट सीट प्रश्न गिनने का पूछा तो काम मैं करेंगे? जवाब क्या दूंगा। विधायक गिनने का काम करेंगे? क्या फिर आप सुखू जी गिनने नोटिफिकेशन का के काम बारे में करेंगे? जानकारी तो रखते हैं? जब क्या मैं जब स्वामी ऐसी विवेकानंद स्थिति आ से जाए, बात लोकेश जी सुनने की हिम्मत रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि एक राज्य को आपने कंगाली के कगार पर नहीं, कंगाल कर दिया, जो राज्य अपनी तनख्वाह ना दे पाए, जिस राज्य के अंदर उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पैसा ना बचे, और आप जनता को यह कहने लग जाएं कि आपको टॉयलेट सीट के हिसाब से पैसा देना है, यह कैसा मजाक है? और मैं एक बहुत सीरियस नोट पे नाविका जी एक बात कहना लोगों चाहता में हूं, ना तो कोई इस देश के सत्य है अंदर ये जो 60-65 और ना साल कोई एक सत्य मानसिकता है। रही उसी के कारण इस देश में हम स्वच्छता के लिए इतने पीछे रहे। हम अपने गांव में टॉयलेट्स नहीं बनवा पाए। 2005 में 45% हाउसहोल्ड्स को टॉयलेट का एक्सेस था, 45%। 2020 में 42 82% हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि इसके लिए सोच चाहिए। तो एक तरफ तो एक मॉडल है कि इस देश के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं, बेसिक नेसेसिटी, आपको एक डेफिकेशन के लिए जाना एक बेसिक नेसेसिटी है, आपकी एक पर्सनल लिबर्टी, आपकी एक डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात है, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया टेंशन फ्री नहीं जाने देंगे। जाएंगे तो गिनती रखना, हिसाब कर लेना कि कितना टैक्स है। अब कैसे जाएंगे नविका जी बताइए, टेंशन में जाएंगे कैसे? मुझे तो हाँ, ये बताइए। टेंशन में अब टॉयलेट जाना भी दूभर हो गया है। और आशुतोष वर्मा जी, ये डेवलपमेंट मॉडल है खटाखट मॉडल। मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि टॉयलेट पर टैक्स, ये कहीं आपने सुना है?
और कास्ट सेंसस तो सुना था कि कास्ट सेंसस कराना है आपकी इंडिया गठबंधन को, लेकिन टॉयलेट की सीट का सेंसस होगा ये कभी बताया नहीं, किसी मैनिफेस्टो में नहीं था कि टॉयलेट की सीट का भी एक सेंसस होगा। और यूटर्न सरकार, आप मोदी सरकार को कह रहे थे यूटर्न तो यहां हिमाचल में रोज हो रहे हैं, कभी मस्जिद पर यूटर्न हो रहा है, कभी नेम प्लेट डिस्प्ले पर यूटर्न हो रहा है, आज टॉयलेट की टैक्स कथा पर यूटर्न हो रहा है, चल क्या रहा है? ये कौन सा गवर्नेंस मॉडल है आशुतोष वर्मा जी, इंडिया अलायंस का, कि ये आपको थोड़ा परेशान नहीं करता? नमस्कार नविका जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों में किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और मुझे बड़ी हैरत की बात होती है कि इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी आईटी सेल के आज शिकार हो गए हैं। और आज नव भारत जो टीवी चैनल है उसकी सबसे बड़ी देश की पत्रकार नविका कुमार जी इसकी शिकार होकर इस पर एक बड़ी स्टोरी कर रही है। आपको भी पता है ये एजेंडा है, टॉयलेट टैक्स नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है और ना है, ना ही हिमाचल प्रदेश में चलाया है, क्योंकि इन सब चीजों से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता, इन एजेंडों से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है। हरियाणा चुनाव होने जा रहा है, इस टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टैक्स की झूठी अफवाह फैला के भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता और नेता कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा मुंह की खा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो टैक्स लगाया है या जो टैक्स की बात करी है उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया है, वो बात ठीक से नहीं आई लेकिन समझ में आ जाता है, उस पर कोई ऐसा टैक्स है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, हरियाणा हार रहे हैं, बुरी स्थिति है, तो इस तरीके की बातें ला सकती है। हम ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातों को हवा क्यों दे रही है, क्योंकि राजनीतिक जमीन वहां उसकी खत्म हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे एक एक राज्य से हटती चली जा रही है। और आप देखिएगा कल हरियाणा के चुनाव हैं, इस तरीके की बात और भारतीय जनता पार्टी का एक फॉल्स नैरेटिव उसको कहां पे लेके जाएगा। ये सूचना क्रांति का समय है, टाइम्स नाउ नव भारत एक बड़ा सूचना केंद्र है इस देश का, और अगर उसमें इस तरीके की बातों पे जो फॉल्स नैरेटिव बनाए जाएंगे तो नविका जुना जी आपकी भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेंगे। मैं मेरी क्रेडिबिलिटी की आप इतनी चिंता कर रहे हैं आशुतोष वर्मा जी, तो मैं बहुत बिल्कुल चिंता है, आप हमारे बिल्कुल हम उनके चैनल बैठते हैं, मैं कद्र करती हूँ, मैं कद्र करती हूँ आपकी चिंता की, लेकिन मेरी भी आपके बारे में एक थोड़ी सी चिंता है कि आप तो एक डॉक्टर हैं, नविका जी आप तो एक डॉक्टर हैं आशुतोष वर्मा जी, और मैं आपसे कहना चाहूंगी डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, सैनिटेशन हल्का विषय नहीं होता, टॉयलेट की बात करनी हल्का विषय नहीं होता, ना, 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 और आपको क्रेडिबिलिटी आप अब आप सुनिए क्योंकि आपने मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया तो ये मेरे हाथ में, मैं आप जवाब दीजिएगा, मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट है, 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, पेज नंबर 4 पे पूरा यहां पर जस्टिफिकेशन दिया गया है और कहा गया है फर्दर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रिगार्ड, ऑल कनेक्शंस एक्सेप्ट रूरल डोमेस्टिक कनेक्शन शैल बी मीटर्ड, चार्जेस फॉर सीवरेज इन अर्बन एंड रूरल विल बी 30%, इन अर्बन एरियाज एस्टैब्लिशमेंट यूज देयर ओन वाटर सोर्सेज एंड द सीवरेज सिस्टम ऑफ द डिपार्टमेंट, सीवरेज चार्जेस विल बी लेवीड एट द रेट ऑफ 25 पर सीट पर मंथ। ये नोटिफिकेशन मेरा नहीं है, ये सरकार का है, और मैंने ये फैक्ट भी बताया कि बाद में सोचा गया और फिर इसे वापस किया गया, तो मेरी कोई भी गलती नहीं है और मैंने ठीक इंटरप्रिटेशन किया है, और मैं आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहा हुआ बयान भी सुना देती हूं। मैं ये शो सवाल पब्लिक का शो फैक्ट्स पर करती हूं, हवा हवाई बातों पर नहीं करती हूं, मेरी क्रेडिबिलिटी जितनी आपको प्यारी है उससे कहीं ज्यादा मुझे प्यारी है। पहले आप सुन लीजिए एडिशनल सेक्रेटरी ने क्या कहा।
ये जो चीज थी हम लोगों ने उसी दिन जो है विड्रॉ कर ली थी, वेयर दी अर्बन एरिया एस्टेब्लिशमेंट वाला जो था उसी डेट में 21 सितंबर को मेन नोटिफिकेशन हुई थी, उसी दिन जो है इसको विड्रॉ कर लिया गया था। मतलब तो रिवाइज नोटिफिकेशन उसी दिन आ गया था। रिवाइज नोटिफिकेशन ही जो कंटिन्यूशन में मेन नोटिफिकेशन में ये था, लेकिन जब ये ध्यान में आया कि भाई पर सीट वाला ये अच्छा नहीं लगता है देखने में, लगता है हालांकि वो बेस्ड अपॉन कंजम्पशन चार्जेस था लेकिन देखने में कई लोगों को जैसे अभी कंट्रोवर्सी उसी तरह से हो गया था, उसी दिन जो है उस चीज को विड्रॉ कर लिया गया था। आशुतोष जी, अगर था ही नहीं तो वापस क्यों लिया? मैं बोलूं जी, अगर मैं मुझे समय देंगी तो मैं बोलूंगा जी। बोलिए। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सीवरेज टैक्सेस एट द रेट ऑफ 200%+10% एवरी ईयर का टैक्स लगाया था। हिमाचल प्रदेश में पानी की व्यवस्था जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें दो तरीके की होती हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, गवर्नमेंट सप्लाईज या इंडिपेंडेंट सप्लाईज। जो बड़े बड़े होटल्स हैं उसकी कहानी ये होती है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट सप्लाई देके सीवरेज चार्जेस नहीं देते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको लगाया था, कांग्रेस की सरकार ने इसको हटाया और कहा कि जहां पर आप अपना सोर्स वाटर ले रहे हैं वहां पे हम कैलकुलेट करने के लिए हम आपके टॉयलेट के हिसाब से टैक्सेस लगाएंगे। क्या परेशानी है इसमें? अच्छा, अभी तक आप कह रहे थे, अभी तक आप मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे थे कि ऐसा टैक्स था ही नहीं, अब आप कह रहे हैं कि अगर लगाया तो क्या बुरा। आई रेस्ट माय केस। सिद्धार्थ यादव जी उधर, इश्करण भंडारी जी भी हाथ उठा रहे। गलत जवाब सुन रहे, थोड़ा सा गलत तरीके से। मैं बिल्कुल गलत हूँ सिद्धार्थ यादव जी, आप छोटा सा जवाब देता हूँ। आशुतोष जी आप उसके बाद कह दीजिएगा। आशुतोष जी नहीं, कोई गलत बात नहीं, आपने जो बोला उसी का जवाब दे देता हूँ। देखिए गलत है आशुतोष जी, गलत नहीं है ना, आप 15 मिनट बोलेंगे उसके बाद किसी को सुनेंगे नहीं, गलत वो है। सुनिए बात को, देखिए नाविका जी प्रॉब्लम यही है, ये बहुत सीरियस इशू है। आपने 3 बार बात को बोला, हर बार उसका एक नया वर्जन आया, आप चौथी बार कहना चाहते हैं और नहीं कहेंगे तो मुझे कटघरे में। यू आर पोर्ट्रेइंग समथिंग अदर थिंग्स। ओके, आई गिव यू वन मोर चांस। मैं आपको एक और चांस देती हूँ, मुझे समझा दीजिए। काम करेंगे तो इट इज नो मींस। नहीं नहीं, आप मुझे समझा दीजिए, क्योंकि आपने कहा मैं झूठ फैला रही हूँ। मैं नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का बयान सुनवा रही हूँ। अब यस आपने कहा टॉयलेट टैक्स, आपने उसका नाम लिया टॉयलेट टैक्स। तो ये टॉयलेट सीट लिखा है ना सर, चलता है। चीफ सेक्रेटरी ने बोला सर ये सीट कहते हुए ये 25 रुपए पर सीट जो है इसको मैं क्या कहूँ? आपको अगर अच्छा लगता है वर्ड तो संडास टैक्स कह लीजिए, आपको टॉयलेट टैक्स अच्छा नहीं लगता तो संडास टैक्स कह लीजिए, पैखाना टैक्स उन्होंने कहा। लेकिन नविका जी फिर बात, अगर आपको एजेंडा चलाना है लैट्रिन टैक्स बोल लीजिए, आपको पता है आप इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे भैया मैं 10 सेकंड देना, क्या बोलूं, मैं 10 सेकंड देना पड़ेगा। आशुतोष जी आप सुनिए, मुझे दुख ये है। आशुतोष जी अभी दुख मत जताइए, मेरे को आपकी बात पे दुख लग रहा है। प्रचार कर रही है आशुतोष जी, अब सुन लीजिए, कोई बात नहीं, अभी हो गया, रास्ता नहीं है। मैं नविका जी मैं अपनी बात रखूं, अभी हो गया। अब आशुतोष जी सुनिए, ये बहुत कठिन काम है जो आशुतोष जी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा टैक्स लग जाए और उसको डिफेंड करना पड़े टीवी पे बैठ करके, उनके दर्द को मैं समझता हूँ। उनको यहाँ बैठ करके कहना पड़ गया, एक पढ़े लिखे डॉक्टर को, मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, और उनको कहना पड़ गया कि पर सीट पे लगा दिया तो क्या गलत किया। अब मैं बस 30 सेकंड लूंगा आशुतोष जी, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप समझ जाएंगे। देश में हर जगह सीवरेज का टैक्स लग सकता है, देश में हर जगह लोग सीवरेज को यूज करना नहीं चाहते, देश में हर जगह लोग अपना वाटर सोर्स भी लेते हैं। दिल्ली के अंदर भी लोगों के पास ऐसा है कि बोरवेल की व्यवस्था है, दूर सुदूर क्षेत्रों में लोगों के पास बोरवेल की व्यवस्था है, कुएं की व्यवस्था है। देश में किसी सरकार ने कहीं भी कभी भी, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे प्लेन्स का एरिया हो, कहीं भी कभी भी टॉयलेट सीट के हिसाब से टैक्स नहीं लगाया। अगर आज एक सरकार ने लगाया, यह आपकी पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति को दिखाता है, यह दिखाता है कि आपकी पॉलिसी मेकिंग में कितनी बड़ी विफलता है, यह दिखाता है कि आप एक स्टेट को चलाने में कितने असफल हैं, ये दिखाता है कि उस स्टेट को आप किस कगार पे ले आए। ये समस्या आशुतोष जी, और अगर इसको एक लोकतंत्र में नहीं उठाया जाएगा और आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो ये लोकतंत्र के साथ अन्याय है। क्योंकि अगर एक राज्य जहां पर इतना पर्यटन होता है, अगर आपको इसको, मैं अगर आपको टीवी पे ऑल्टरनेट समझाना हो, अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से लगाना था, जो परसेंटेज नहीं लग सकता था, आप पर एस्टैब्लिशमेंट लगा लेते, आपने पर टॉयलेट सीट लगाया, कौन गिनेगा जाके?
सीट के हिसाब से टॉयलेट लेंगे। अब आपको देख दुख ही है कि टॉयलेट टैक्स कहा जा रहा है, क्या कहें फिर? पर सीट आपने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कहें क्या उसको? आप वो बता दीजिए, वो नाम रख दीजिए। अब ईश्करण भंडारी जी, ईश्करण भंडारी जी, मेरी समझने में गलती है, मीडिया हमेशा गलत होती है, हर पार्टी मीडिया को गलत बताती है, चल मैं गलती मान भी लेती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी का तो एजेंडा है क्योंकि वो बीजेपी से हैं। आप मुझे बता दीजिए, जब ये लिखा जाए सीवरेज चार्जेस टू बी लेवीड एट 25 रुपीज पर सीट पर मंथ, मैं इसको क्या कहूँ? टॉयलेट टैक्स कहना गलत है, संडास टैक्स कहूँ, लैटरिन टैक्स कहूँ, क्या कहूँ? मुझे आशुतोष जी बार बार गलत ठहरा रहे हैं, आप समझा दीजिए, आप वकील हैं शायद बेहतर समझते हैं। नाविका जी, एक सिंपल सी बात होती है कि अगर शब्दों का ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर है तो उसको उसी तरह इंटरप्रेट किया जाता है। यहाँ पे ऑर्डिनरी मीनिंग बहुत साफ है, 25 रुपया पर सीट। मुझे तो ये डर है कल को कोई ऐसी नोटिफिकेशन ना आ जाए कि दिन में आप कितनी बारी सीट पे बैठते हैं उसके हिसाब से भी टैक्स होगा। क्योंकि यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है, बार बार लोग पूछ रहे हैं आप ये डिबेट क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे गंभीर विषय डिबेट करने के लिए किसी भी सीरियस चैनल के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं, पहला कि आपका टैक्सेशन कैसा हो रहा है और दूसरा आप पे हेल्थ इफेक्ट क्या हो रहे हैं। हमें पता है हिस्टोरिकली लाखों लोगों की जान जाती है क्योंकि गंदगी से या शौचालय ना होने की वजह से बीमारियां फैलती हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, आज से नहीं, थ्रू आउट हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है, अधिकतर बीमारियां उसी से आती हैं। पर दूसरी बात, अब आते हैं हम टैक्स पे, टैक्स डिस्कस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बच्चा जो आज हिमाचल में पैदा होता है, पर कैपिटा जो बर्डन है डेट का वो 1,17,000 रुपया है, इतना जो देश के अंदर सेकेंड हाईएस्ट है। दूसरी बात जो समझने की यहां पे जरूरी है, आज की बात नहीं है, टैक्सेशन के इंटेंट क्या है आपकी, क्योंकि आप फ्री भी तो दे देते हैं पर उसका टैक्स क्या होता है। इंदिरा गांधी सरकार के अंदर हाईएस्ट टैक्स रेट 97.5% पहुंच गया था। आप दिन से रात मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए और उस पे 97.5 टैक्स दीजिए और आपका काम ना चला, फ्लॉप हो गया तो वो आपकी सरदर्दी थी। ये इकोनॉमिक पॉलिसी थी 70s के अंदर, इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने अंत में बोल रहा हूँ, किसी को इंटरप्ट नहीं किया। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1978 में भारत चाइना जीडीपी पर कैपिटा भी कंपैरिजन में थे, पर आपने ऐसी, नाविका जी दिस इज नॉट फेयर, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया और तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, हर चीज का फैक्ट चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इंटरप्ट मत कीजिए आप प्लीज मुझे। नाविका जी आप उनका वॉल्यूम लीजिए, नीचे कीजिए, ये बात बोलनी जरूरी है क्योंकि क्या टैक्सेशन की विजन है ये डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। लोग आपको डॉक्टर कह रहे हैं, मैंने आपके बारे में खटाखट तो हो, डिग्री आपने खटाखट मत बोलिए, पहले सुन लीजिए फिर आपको बोलने का समय। नाविका जी कहाँ से डॉक्टरी की डिग्री ली है इन्होंने? एक बारी नहीं मैम आपको सर, अरे भैया सर, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, ये नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन अंग्रेजी में है और इसमें लिखा है अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज लिखा हुआ है, फाइव स्टार होटल नहीं लिखा हुआ। अर्बन एरिया के घरों में भी लगेगा क्योंकि यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि अर्बन एरिया के सिर्फ फाइव स्टार होटल में लगेगा। सुन लीजिए, पहली चीज तो अब ये है नहीं, लेकिन दूसरी बात, मैं इसके पक्ष में था, शब्दों का हेर फेर हो सकता है, कैलकुलेशन के मैकेनिज्म को हम सोच सकते हैं, लेकिन तो आप पक्ष में हैं, आप कौन सी सीट पर बैठे हैं? सुन लीजिए, सुनिए पहले, सुन लीजिए मैडम, पहले सुन लीजिए, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे देश में किसी भी राज्य में सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर सरकार पैसे ना ले? क्या दिल्ली में पैसे नहीं दे रहे? क्या यूपी में? पहले सुन लीजिए, लिसन फर्स्ट, आप उसका कैलकुलेशन मैकेनिज्म जो है उस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि भाई उसको फिक्स टॉयलेट सीट के हिसाब से करो, क्या उसको आप कंजम्पशन के हिसाब से करो, कंजम्पशन मींस आप कितना। स्वच्छ भारत मिशन में एक ही चीज नहीं ठीक हो पाई है, इनकी दिमाग की गंदगी, सब कुछ ठीक हो गया। कोई दिमाग की गंदगी नहीं है, कमाल हो गया विवेक जी, बचाने आप कह रहे हैं कि टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लिया जाए। निर्मला सीतारमण टैक्स लगाएं तो आपकी हाय तौबा हो जाती है, टॉयलेट पर टैक्स लग रहा है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही हो रहा है, आप कह रहे हैं ऐसा होना ही चाहिए। अरे बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया, रोज लगाओ। नहीं नहीं तो बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया, बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया?
कर्नाटक में भी लागू कर दो, अपने मैनिफेस्टो में लिख दो, पूरे देश में हम टॉयलेट की सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, लिख दो उसकी टर्मिनोलॉजी, जहां जहां सरकार बना लेंगे वहां टॉयलेट के टैक्स लगाएंगे, बोल दो इंटेंट गलत नहीं था, इंटेंट बिल्कुल ठीक था। वापस क्यों लिया, इंटेंट गड़बड़ नहीं था तो विवेक जी ओनली बिकॉज आप मैनिफेस्टो में लिखो ना, हम घर घर जाके सीट गिनेंगे, सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, कौन कितनी बार जाता है उसको देखेंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे, लिखो आप कल जनरेट, आप अभी डिक्लेयर करो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि आज से बीजेपी के राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट का टैक्स नहीं लिया जाएगा। कमाल है, सीवेज ट्रीटमेंट में पूरा देश टैक्स लेता है, पूरी दुनिया टैक्स लेती है, टॉयलेट सीट में बताओ कौन टैक्स लेता है, बैन यू आर यूजिंग खुद को आप क्या बोल रहे हैं, अरे सुनिए सर डोंट टॉक लाइक एन इलिटरेट मैन, लिसन टू मी फर्स्ट, अच्छा इलिटरेट वो हो गए, आप लिटरेट हो गए, मुझे बताइए, अच्छा आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये टैक्स अगर सही था जैसे विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं तो मुझे बताइए ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, क्या हर घर में एक टैक्स का इंस्पेक्टर जाएगा, पहले देखेगा कितनी सीटें हैं, टॉयलेट इंस्पेक्टर जाएगा, फिर कितनी बार कोई जा रहा है उसका नेक्स्ट अगले साल में ऐसा भी टैक्स आएगा, ये किस तरह की बात है, विवेक जी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये सही थिंकिंग है, अरे बीजेपी इज डूइंग द सेम थिंग, देखिए नाविका जी बात को समझिए, एक मिनट विवेक जी, विवेक जी आशुतोष जी बोल रहे हैं, एजेंडे को चला रही हैं, फिर बात इनके तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ते नहीं है अपनी खुद की स्कीमों को, और ऊपर से आप उनके एजेंडे को ऐसे चला रही हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेस जो होते हैं उसमें भी टॉयलेट गिने जाते हैं, भारत का स्वच्छता अभियान शौचालय अभियान जो सबसे बड़ा है मोदी जी का उसमें भी टॉयलेट गिने जाते हैं, अब जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म की बात करी, जहां पे ताज है, जहां पे रेडिसन ब्लू है, जहां पे हयात है, वहां का टैक्स फ्री करती है भारतीय जनता पार्टी, ये है इनकी उद्योगपतियों की नीति कि बड़े बड़े होटलों से बड़े बड़े उद्यानों से टैक्स ना लो, वहां की सरकारों ने टैक्स लेने का तरीका बनाया तो उनसे भी ले लो, उनसे भी ले लो, और अर्बन एरिया में यानी शहरी इलाके में जितने घर लोगों के हैं जनता के हैं उससे भी ले लो, बीच में क्यों बोलती है भाई नविका जी, अगर आप बीच में बोलेंगी आप इस तरीके से तो हमारी बात ही नहीं आ पाएगी ना, आप कभी भाजपा के प्रवक्ता के बीच में बोलिए, उनसे भी कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए, आशुतोष जी बातों को बढ़ा रहे हैं और आप उसको शह देते, आशुतोष जी आप खराब है, आपको मैं इतना समय देती हूँ आपको फिर भी रंज रहता है, ठीक है, खराब एजेंडे को टाइम्स नाउ और नविका जी ऐसे बढ़ा रही है, मुझे आश्चर्य है कि आप ऐसे चीजों को बढ़ा के एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रही हैं जो सोशल एजेंडा है, बात होनी चाहिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष जी, अगर मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही होती तो नितिन गडकरी की का बयान नहीं सुनवा रही होती, अगर मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही होती तो नितिन गडकरी का बयान नहीं सुना रही होती, और टॉयलेट जाना हर किसी का एजेंडा होता है वो उसे अच्छा लगे या ना लगे, आप भी टॉयलेट जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, सिद्धार्थ जी भी जाते हैं, और इस देश का हर नागरिक टॉयलेट जाता है, तो टॉयलेट पर कम से कम मेरा तो कोई एजेंडा नहीं हो सकता जो लोगों से पब्लिक से मुख्तलिफ हो, लेकिन निष्करण भंडारी ये बार 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 मुझ पर क्यों आरोप लग रहा है कि मैं एजेंडा चला रही हूँ, गलत खबरों को बढ़ा रही है, ये आपके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, मेरी क्रेडिबिलिटी की मैं इतना कहूंगी कि आप चिंता ना करें, 35 साल में ऐसा भगवान ने मेरे पे दया दृष्टि रखी है, मुझे बोलने दीजिए नाविका जी, अब मैं अपनी बात कर, नाविका जी अब आपका सवाल मेरे से, तो आप इनका फीडर बंद कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन से कॉलेज में पढ़े हैं जहां पे इनको ये नहीं सिखाया गया, जिसका नाम लिया दिया उसको बोलने दीजिए, नाविका जी दो बातें यहाँ पे, पहली बात ये नहीं है टैक्स की, टैक्स देते हैं, टैक्स कितना और किस चीज पे ले रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी बात नोटिफिकेशन है, आपने कोर्ट करके लिखित में दिखा दिया, सरकार फैसला ले सरकार फैसले से पलटे वो सही है, पर आप अगर सरकार के फैसले को डिस्कस करें तो आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और ये अब चलता नहीं है कि शूट द पर्सन कैरिंग द न्यूज, और तीसरी सबसे जरूरी बात जो यहाँ के अंदर है वो ये है कि आप ये पूरी नीति समझिए कि कहां पे आप फ्रीबीज करना चाहते हैं, कहां पे आप टॉयलेट्स गिनेंगे, और तर्क अंतिम बात तर्क दिया जा रहा है, फिर इंटरप्ट कर रहे हैं भाई साहब, कहां से डिग्री ली है आपने, बहुत डाउट हो रहा है मुझे, आप एक बात खत्म कर दीजिए, आपकी बात पे कोई इंटरप्ट नहीं करता आपको, कम से कम आप वो कर्टसी एक्सटेंड कर दीजिए जो आपको मिलती है, हर जगह जरूरी नहीं है, मैं टॉयलेट की बात हो रही है तो मैं मुंह से वो जोड़ना नहीं चाहता और मैं वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, अब मैं यहां पे आपको अंतिम बात बता देता हूं जो बहुत जरूरी है कि आप प्लीज समझिए
कि जिस तरह के आप टैक्सेशन की नीति बना रहे हैं, आपकी नीतियां क्या हैं उसके ऊपर बात हो रही है, और आप कंपेयर कर रहे हैं कि टॉयलेट सर्वे होता है, वो सर्वे होता है, कितने टॉयलेट है, हमें कितने नए टॉयलेट बनाने हैं, लोगों को और टॉयलेट देने हैं, लोगों को टॉयलेट यूज करने के ऊपर टैक्स लगा के टॉयलेट यूज करने से रोकने की नीति नहीं बनाते हैं, ये अंतर है। तो प्लीज कंपैरिजन तो ठीक कीजिए। चलिए, लेट्स नॉट बी पर्सनल, लेकिन सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। नरेश का लखनऊ से सवाल है, टॉयलेट टैक्स वापस जरूर हो गया, लेकिन क्या अगर ये लागू रहता तो क्या ये स्वच्छ भारत मिशन के को नुकसान नहीं पहुंचाता? मोहिनी का इंदौर से सवाल है, राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, अब टॉयलेट टैक्स पर क्या कहेंगे? लोकेश जिंदल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, ये जो टॉयलेट टैक्स का रेट था ये बहुत कम था, क्योंकि आप देखिए सीवरेज के अगर आप रूल्स पढ़ें तो उसके हिसाब से मिनिमम 100 रुपीज का टैक्स जो है गवर्नमेंट अप्लाई करती है, और अगर 100 रुपीज को हम कंसिडर करते हैं सीवरेज में, इसका मतलब 4 सीट जो है अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में होती तो उसको 100 रुपीज देना पड़ता पर मंथ, और उसके बाद में भी जो टैरिफ रेट है हिमाचल प्रदेश का वो जाता है कि अगर 30 किलोलीटर के ऊपर कंजम्पशन होती है किसी एस्टेब्लिशमेंट में तो 59.9 रुपीज पर किलोलीटर के हिसाब से। जीएसटी तो गब्बर सिंह टैक्स है, बाकी ये टॉयलेट टैक्स जो है ये डॉन टैक्स शायद बनाना चाहते हैं। सुषमा का शिमला से सवाल है, ये जरूर सुन लीजिए क्योंकि शिमला से सवाल आ रहा है सुषमा जी का। तो अब ये क्यों ना माना जाए कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना सारा वित्तीय भार टॉयलेट टैक्स जैसे टैक्स लगाकर खुद के ऊपर से हटाना चाहती है? प्रशांत का दिल्ली से सवाल है, बीजेपी लाडली बहन स्कीम चलाए, रेवड़ी बांटे तो बहुत अच्छा, लेकिन कांग्रेस या राहुल गांधी जब खटाखट की बात करे तो बहुत बुरा, ये कैसे? सिद्धार्थ यादव, ये सवाल आपके लिए है। और रणधीर का चमोली से सवाल है, जब हिमाचल जैसे राज्य में शहरी इलाकों में हम होम स्टे का कल्चर ला रहे हैं जहां हर घर से कमाई की जाती है, फिर सरकार अगर सीवेज टैक्स मांग रही है तो क्या गलत है? जवाब दीजिए। नविका जी, मैं दो बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो, तीन पैनलिस्ट आपके शो पे बैठे हैं, दो तो कहते हैं इसका समर्थन करते हैं हम, एक कह रहे हैं कि ये टैक्स कम है, एक कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, एक कह रहे हैं मैं पूरा समर्थन करता हूं, तीसरे कह रहे हैं कि ये गलत है, आप एजेंडा चला रहे हैं। अगर तो ये सही था तो वापस क्यों लिया? अगर ये गलत है तो फिर आप इसको एजेंडा का नाम क्यों बता रहे हैं? ये है मेरा पहला प्रश्न। नहीं, आप प्रश्न मत पूछिए, आज जनता के प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। मैं नविका जी जवाब दे रहा हूं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं और उसके बाद मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगा। नविका जी, आज हमारे देश के अंदर 21वीं सदी में जो हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया की, ये महत्वपूर्ण विषय है कि कोई भी व्यक्ति वो बाहर जाकर के शौच करने के लिए उसको कोई इंसेंटिव ना हो, रादर वो डिसइंसेंटिवाइज हो, वो बाहर जाकर के बीमारियों को ना अट्रैक्ट करे, वो बाहर जाकर के अपने स्वास्थ्य को ना खराब करे। एक और सरकार का एक मॉडल है कि हम ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें। दूसरी ओर एक मॉडल है राहुल गांधी का खटाखट मॉडल, जो कह रहा है कि हम सीट गिनेंगे, सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, 25 रुपए की टैक्स लगाएंगे, प्रवक्ता कहता है कि ये 25 बढ़ा दो, इसको 50 कर दो। ये है पहली बात। राइट, दूसरी बात कि फ्रीबीज का क्या फर्क है? बात फ्रीबी की नहीं है नविका जी, बिल्कुल बात फ्रीबी की है, पर बात ये है, नितिन गडकरी जी ने कहा है कि फ्रीबी की बात है, आप करें तो ठीक, वो करें तो गलत। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमने लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के अंदर लागू करी तो हमने चलती सरकार में लागू करी। अगर हम देश के अंदर किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो साथ में 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं। अगर आप देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कोई सहूलियत देते हैं और बजट में रहते हुए देते हैं, इनकम को बढ़ा के देते हैं, अन्य एक्सपेंडिचर्स को करते हुए देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करते हुए देते हैं तो ठीक है। आप ये कहें कि हम फ्री भी देंगे और तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, ये गलत है। अगर कर्नाटक के फाइनेंशियल एडवाइजर, पिछले महीने तनख्वाह में देर हुई थी, इस महीने तो समय पर आई है, बहुत अच्छी बात। लेकिन नितिन गडकरी जी ने भी तो कहा कि ये सब्सिडी मॉडल नहीं चल सकता। अगर राहुल गांधी को आप गलत कहते हैं तो फिर बीजेपी के मॉडल में भी कुछ ना कुछ गलत है। लेकिन सबसे, देखिए मैं बस 10 सेकंड लूंगा, इसमें एक कॉशन की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर कर्नाटक के फाइनेंशियल एडवाइजर आकर के कहते हैं कि फ्रीबीज के कारण हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो सीएम के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो वो बात खतरनाक है।